हमारे संगीत के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा नुकसान है कि रईस चचा जैसे इंसान, रईस चचा जैसे आर्टिस्ट नहीं रहे। ऐसा सितार वादक इस युग में होना बहुत मुश्किल है। उस्ताद रईस खां अब हमारे बीच नहीं रहे, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, और अपने नाम के हिसाब से वो अपने फ़न में भी बहुत रईस थे। उनके मरने से जो मौसीकी में खला पैदा हुआ है उसका भरना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी उम्र के लोगों में सबसे अच्छा सितार बजाया, और मैं समझता हूँ उनकी कमी अब पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने जो सितार को एक नया रंग दिया हमारे बॉलीवुड के सारे सॉन्ग्स में, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाया। एक शास्त्रीय संगीत में उनका कोई साने नहीं था, अपना खुद की उन्होंने शैली भी की, गाना भी उनका बहुत गजब का था। और मैं और सलील बड़े भाग्यशाली रहे कि हम जब हमारा कराची में प्रोग्राम था तब वो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पर आए थे, और उन्होंने हमारी बहुत तारीफ़ की थी। और उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक इच्छा है कि जब मैं भारत आऊँ तो इनके साथ जुगलबंदी बजाऊँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो उनका सेंटेंस था वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ और इज्जत करता रहूँगा। उनका सितार हमेशा जीवित रहेगा हमारे दिलों में, उन्होंने राज किया, और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे मेरी जबान से नहीं निकल रहा कह रहे इस खान साहब कि दुनिया से चल बसे हैं, और रईस खान साहब एक ऐसी दुनिया थी जो रईस खान का नाम तो था लेकिन काम के भी वो रईस थे। ऐसे ऐसे रईस थे कि मेरी उनकी मुलाकात जो पहली मुलाकात हुई है ना वो 78 में लंदन में बर्मिंगम में BCC पे हमारा प्रोग्राम इकट्ठा था। तो मेरा खैर प्रोग्राम क्या इकट्ठा था, उनका ही प्रोग्राम था। बहुत उनका मुझे बहुत पहली दफ़ा मैंने जब सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस तरह भी सितार बजती है जिस तरह ये रईस खान साहब बजाते हैं। तो वो मुझे बहुत प्यार उन्होंने किया, मुझे वो बड़े लोग थे तो वो छोटे लोगों को भी बड़े लोग जो होते हैं वो प्यार करते हैं। खैर तो मुझे कहने लगे कि बेटा गुलाम अली भाई तुम बहुत प्यारे हो और बहुत मुझे मैं सुनता रहता हूँ तेरे को, मैं तेरी रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। फिर बहुत ही हम इकट्ठे रहे तकरीबन लंदन में, वापस हमें गाड़ी में भी एक पे ही आए, वहाँ से बर्मिंगम से गए भी एक पे, तो बातें बातें करते आए। तो बहुत फिर एक महीना या 15-20 दिन लंदन में गुजारे, तो रोज़ मिलते थे हम लोग कहीं ना कहीं दावत जो होती थी अगर मेरी होती थी तो वो उनकी भी होती थी, उनकी होती थी तो मेरी भी होती थी। बहरहाल तो इस तरह से तब से लेके अब तक हम इंडिया में भी बहुत मैं गया हूँ, इंडिया में भी बहुत मुलाकातें हुई हैं। बल्कि जब 80 में मैं बस फर्स्ट टाइम गया तो घर पे मेरी वहाँ जू में घर था उनका, वहाँ पे दावत उन्होंने की और सारे लोग आर्टिस्ट बुलाए और आर्टिस्टों को मुझे सुनवाया कि ये सुनो ये भी एक तोहफा है। तो बहरहाल ऐसे लोगों को कह देना तोहफा ना भी हो तो तोहफा हो जाता है। बहरहाल मैं रईस खान साहब के लिए बारे में इस तरह क्या कहूँ कि जब भी उनका सितार सुनता था मैं जब सामने कभी बैठ के, तो ऐसी ऐसी बातें भी कुछ करते थे सितार में निकल जाते थे जो कि वो ही कर सकते थे। तो मैं हैरान कुन बातें हैं ये। एक काम है कि जो एक ही तार पे एक ही तरफ पे तान मीन की तरह चले जाना, तो ये उनका इनफरादियत थी उनकी। तो बहरहाल तो इतना ही हुस्ने अखलाक उनका प्यारा था, और माशाल्लाह गुस्से वाले भी थे, जब गुस्सा आया हो तो फिर चाहे कोई भी आगे हो उन्होंने देख लेना है कि ये बात गलत है तो गलत ही है, तो ये ठीक बात भी है। अगर गलत बात है तो उस पर गुस्सा आना ही चाहिए, ठीक बात पे नहीं आना चाहिए, गलत बात पे आना ही चाहिए, ये भी एक परवरदिगार का और मौला का फरमान भी है। तो खैर मैं उनके लिए यही कह सकता हूँ कि परवरदिगार उनको गरीब की रहमत करे और मोहम्मद वाले मोहम्मद उनको उनकी शफात करे। उन्होंने क्लासिकल मौसीकी में और फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दोनों तरफ काम किया और लाजवाब काम किया, और
अक्सर इतने गाने जो पॉपुलर हुए मदन मोहन जी के, ओपी नैयर साहब के, कई दीगर मौसिकार के, जिनमें सितार ने जान पैदा कर दी, तो ये भी एक उनमें महारत थी। बहुत सारे मौसिकार ऐसे होते हैं, क्लासिकल मौसिकी में उनको महारत हासिल है, लेकिन फिल्म का काम जो है ये बिल्कुल बेढब काम है, अलग तरीके का काम है। उन्होंने बखूबी दोनों को निभाया और हम लोग कई मरतबा टूर्स पे भी जाते थे SRA के, संगीत रिसर्च एकेडमी के, जहाँ उनका बजाना सुना और दिल बोलता था उनका। सितार में रूह पैदा कर देते थे, जान पैदा कर देते थे वो। और ऐसी ऐसी मुश्किलात ताने इस सहूलियत से चले जाते थे कि सुनने वाले दंग रह जाए। और मैंने कभी ऐसा भी देखा है कि स्टूडियो में बैठे हुए हैं 6-7 घंटे से और सितार हाथ में नहीं है, और जब उनका काम आया, सितार लिया, तो ऐसा लगा कि 6 घंटे से रियाज ही कर रहे थे। मतलब इस तरीके का उनका सितार के ऊपर कंट्रोल था, एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल था, और वो उनका ही एक बाज था सितार का, जो हम लोग हमेशा 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 उसको महसूस करेंगे और वो कमी को महसूस करेंगे। रईस खान साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर्स हम सब जानते हैं, मगर उनका जो क्रिएटिविटी है, उनका सोच जो है, क्लैरिटी जो है, इससे वो इस सदी के टॉप म्यूजिशियन से एक हैं। He's got a different level of musicianship, musicality. और ऐसा लगता था कि उनके सितार के अंदर कोई बैठ के गा रहे हैं, गा रहा है कोई। गायकी टू दिस एक्सटेंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और ये जब भी हम सुनेंगे खान साहब को, यही जादू आपको नजर आएगी। इट्स ओनली श्योर मैजिक। उस्ताद रईस खान साहब, मैं जो भी उनके बारे में बोलूं वो कम है। इतना सुरीला सितार हमने जिंदगी में बहुत कम सुना, और खास तौर से उनको जो गायकी अंग है, वो सितार बजा के गाते थे। वैसे भी वो गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। हमारे साथ बैठ के उन्होंने बहुत दफे गाया। हम उनके साथ एक जमाने में पूरी भारत का, सारे भारत का अलग अलग जगह में प्रोग्राम करते थे। एक दफे मुझे याद है, कानपुर में ईस्ट वेस्ट और उत्तर दक्षिण एक संस्था था, उसमें हम गाने गए एक साथ। हम पंजाब, यूपी, दिल्ली, मेरठ सब टूर कर रहे थे। हमारे साथ वो बस में थे, बस में हम जाते थे, मैं, पंडित भीजी जोग साहब, शिव जी, शिव कुमार शर्मा, हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी, कभी अमजद अली खान साहब भी जाते थे, जाकिर हुसैन जी, मैं, जगदीश प्रसाद जी, सभी लोग हम एक साथ जाते थे। संगीत रिसर्च एकेडमी में पंडित विजय कृष्ण जी हम लोगों को लेके चलते थे पूरी भारत का सफर करने के लिए। उसमें कानपुर में मेरा गाना हुआ, सामने बैठ के सुन रहे थे। जैसे गाना खत्म हुआ वो ऊपर आए, बोले अजय तुम्हारा ऐसा गाना है, हम क्या बताएं, हमारे पास आज पैसा ज्यादा नहीं है, ये 101 रुपया तुमको हम इनाम देना चाहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं गांव के एक आदमी हूँ, प्राइमरी टीचर की एक बेटा हूँ, उन्होंने मुझे इतना प्यार से 101 रुपया दिया था, और वही पैसा मैं चंडीगढ़ जाके उनको आइसक्रीम खिलाया था। वो एक जमाना था। मैं ऐसा भी देखा
कि सितार सुर से हट गया फिर भी वो बजा रहे हैं एकदम सुर में 100%. ही यूज टू सी म्यूजिक, म्यूजिक देखते थे. बहुत अच्छा, ऐसे फनकार हमारे देश में सच में कम पैदा हुआ. इतना अच्छा वो गाते थे. एक गाना अभी तक याद है, शम्मा जलती है लेकिन ये किसी ने सोचा है कि मोम के बीच में धागे का जिगर जलता है. ऐसा गाते थे. और उनका एक शागिर्द शायद मोहम्मद खान उनका नाम था, वो बैंजो बजाए थे उनके साथ. और सितार हाथ में लेके भी, हाथ में सितार लेके बजाते बजाते इतना सुर में गाते थे, इतना बारीकी से गाते थे. मैं बहुत मिस करता हूँ, आज वो हमें छोड़कर कहीं और चले गए, मगर वो कहीं नहीं जा सकते. वो हमारे दिल में हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए थे और हमेशा के लिए रहेंगे. हम यही बोल सकते हैं कि एक सितार बजा की गवैया राग संगीत की और धुंध की और ठुमरी की, सारे इंडियन म्यूजिक की एक बादशाह इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे उस्ताद रईस खान. उस्ताद रईस खान साहब को मैं अपनी तरफ से बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ. वो कहीं भी है, जहाँ भी है, वो हमारे दिल में है, दिल में थे, दिल में रहेंगे.